और जमीन भी सही है, एयरपोर्ट भी करीब में है, यहाँ अगर जो पैसा लगाना चाहेगा बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि 15 साल सोच के उस हिसाब से मैंने इधर एक बुकिंग कराई। तो अभी बुकिंग हुई आपकी या करानी है आपको? मेरा तो रजिस्ट्रेशन भी हो गया। रेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जो इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। यहाँ पर टप्पल सिटी सेंटर आ रहा है, इसके आगे आपका राया के पास 3 स्मार्ट सिटीज आ रहे हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मतलब फायदा ही होता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो कभी भी फ्यूचर में लॉस नहीं जाती। अगर प्लॉट यहाँ पर ले तो क्यों ले, कल को कोई घेर ना ले या कोई गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे। रिटर्न में सिक्योरिटी देते हैं और पोजेशन, रजिस्ट्री, मोटेशन सब कुछ अश्योर करते हैं। नाइट सफारी आ रही है, नाइट सफारी थाईलैंड और सिंगापुर के बाद इंडिया में आ रही है। अच्छा, इसमें लोगों का ये भी सवाल आता है कि जो येडा है वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो तभी ज्यादा और ऑथेंटिक होती है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के लिए और जो अथॉरिटी के प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है। फ्री होल्ड जमीन की प्लॉटिंग के लिए रेरा रिक्वायर नहीं है। और जो भी यहाँ इन्वेस्ट करेगा वो बहुत अच्छा रिफंड आने की उम्मीद है। हमारे रेट पिछले 3 महीने में कम से कम 3 बार या 4 बार बढ़े हैं। एक बार यहाँ पर आकर आप देखिए तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी, पूरे स्टेटस के बारे में मालूम हो पाएगा, जमीन के बारे में पता लगेगा। जो फिजिकल विजिट होता है उसका एक अपना अलग इम्प्रेशन होता है। एक्चुअल हमारे प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास है जी। अगर कोई वन टाइम पेमेंट करता है 1 महीने के अंदर पूरा फुल पेमेंट, तो उसकी रजिस्ट्री कंपनी फ्री कराती है। आदाब नमस्कार, मैं अकरम खान, द न्यूज गेट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ टप्पल जेवर में, जो बहुत करीब है, दिल्ली एनसीआर में आता है। अब जेवर का रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग रिहायशी रहने के लिए कर रहे हैं या कुछ और किसी और मकसद से कर रहे हैं, लेकिन रेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जो इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उसमें फिल्म सिटी भी है, जंगल सफारी भी है और बहुत सारी चीजें इसमें अलग अलग अट्रैक्शन हैं। वो कितने इम्प्लीमेंट होंगे और कहाँ तक होंगे, किस तरीके से होंगे, ये सारी बातें आज हम लोग समझेंगे, जानेंगे, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेंट हैं कंपनी के, आईएनएस कंपनी के, और क्या रेट हैं प्लॉट के, क्या वाकई लेना यहाँ पर मुनासिब है, क्या सिक्योरिटी पूरी यहाँ पर आपको मिल पाएगी या बिजनेस में मुनाफा आपको होगा ये लेने के बाद, यही सब समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। अब आप देख लीजिए पूरे यहाँ पर सब लोग दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं और अलग 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 यहाँ पर अपने प्लान्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर किस किस तरीके से क्या आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? हम तो आए शाहीनबाग से। शाहीनबाग से तो क्या लगा आपको यहाँ पर, क्या इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर होगा यहाँ पर? यहाँ तो देखने से अच्छा माहौल लग रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है और जमीन भी सही है, एयरपोर्ट भी करीब में है, यहाँ अगर जो पैसा लगाना चाहेगा बेकार नहीं जाएगा हमारे हिसाब से। और हर आदमी का अपना अपना सोच अलग अलग है। आप कहाँ से? सर मैं भी शाहीनबाग से ही हूँ। अच्छा, तो क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हो, आपके यहाँ से कोई फायदा हो पाएगा इधर से? बिल्कुल हो पाएगा सर। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मतलब फायदा ही होता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो कभी भी फ्यूचर में लॉस नहीं जाती, जो हम जितने में बाई करते हैं उससे इंक्रीज अमाउंट में ही अगर हमें निकालना पड़े तो हमें प्रॉफिट दे के वो बाई कर सकते हैं। इस तरीके से प्रॉफिट दे के बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेंट है कंपनी के अलग अलग, जो इधर पूरे को प्लान को समझा रहे हैं। कैसे और बात करें, क्यों सर कहाँ से आना हुआ आपका? सर अलीगढ़ से आए हुए। अलीगढ़ से, तो क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, कोई इन्वेस्ट आप करने के बाद आपको इतना मुनाफा होगा, फायदा होगा इसका? अभी तो देखते हैं सर। अच्छा, तो अभी तक का जो प्लान है कन्विंस हुए उसमें क्या लग रहा है, क्या फील है? सर यहाँ फ्यूचर तो है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी आए हैं, अभी विजिट करने, तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है अभी साइट विजिट कर रहे हैं। तो एक फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पर आए, देखा, लैंड देखी, एयरपोर्ट भी आ रहा है, ये सब बातें पूरी और पूरी मीडिया पूरी तरीके से इसको कि एयरपोर्ट आने वाला है। और भी देखते हैं ना कि रोड पे प्लॉटिंग हो रहा है, तो मीन्स ये रोड जो है ये मेनली ये रोड है ना डेवलपमेंट में है, मीन्स यहाँ पे फ्यूचर के इन्वेस्टर। कहाँ से आना हुआ? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से। देखिए दिल्ली एनसीआर जो इस ये पूरा एरिया पूरा रीजन है, यहाँ पर एक बड़ा अट्रैक्शन, मैंने आपको पहले ही कहा था कि बड़ा अट्रैक्शन जो है एयरपोर्ट ही है और सबके अपने अलग अलग प्लान्स हैं। इस तरीके से लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं, अपनी अपनी सारी जो बातें हैं समझा रहे हैं उनको, और लोग आए हुए हैं इसी को लेकर, इसी को समझने के लिए कि आखिर जो प्लान है वो क्या है और किस किस तरीके से। भाई साहब से और बात करते हैं। सर कहाँ से आना हुआ, कहाँ से आना हुआ आपका? अलीगढ़। अलीगढ़ से। अलीगढ़ के काफी लोग आए हुए हैं।
तो क्या अट्रैक्शन है आप में, क्या सोच रहे हैं इधर? आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है शुभम प्रताप। मेरे को मालूम रिलेटिव के थ्रू पड़ा था और फिर थोड़ा जांच पड़ताल किया तो बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगी, क्योंकि फ्यूचर में अब एयरपोर्ट तो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा तो ये मानना है कि बल्कि अगला गुड़गांव बन सकता है ये एरिया, तो उसके हिसाब से फिर लॉन्ग टर्म सोच के, ऐसा नहीं कि 5 साल 6 साल, मैं तो बल्कि 15 साल सोच के उस हिसाब से मैंने इधर एक बुकिंग कराई। तो अभी बुकिंग हुई आपकी या करानी है आपको? मेरा तो रजिस्ट्रेशन भी हो गया। कंपनी के ही जीएम है, INS जो कंपनी है उसके जीएम है, रिप्रेजेंटर है हमारे साथ सलीम साहब, आपका स्वागत है चैनल पे। जी 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 बताया सर, आपका स्वागत है चैनल। जी थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनी नहीं थी आपने पहले। अब ये बताइए कि लोगों का यहाँ पर ये बोलना है कि अगर प्लॉट यहाँ पर ले तो क्यों ले, कल को कोई घेर ना ले या कोई गवर्नमेंट कोई ऑब्जेक्शन ना कर दे या ले तो क्या उसकी सेफ्टी रहेगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अक्सर लोगों के जहनों में और दिलो दिमाग पर है। सबसे पहले इसी का ही जवाब दीजिए आप। सर ये हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे कब्जा का किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। इस बात का जस्टिफिकेशन मैं इस बात से आपको दे सकता हूँ कि 90% जो बिल्डर काम करते हैं दिल्ली NCR में वो एग्रीमेंट पे काम करते हैं, एग्रीमेंट पे किसानों के साथ मिल करके वो अपनी प्लॉटिंग करते हैं और ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, उसका कन्वर्जन नहीं होता है। हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है काम करने का, वो पूरा का पूरा हम परचेस कर लेते हैं, करोड़ ऑफ रुपीज लगा करके पूरा का पूरा हम किसी कंपनी से या किसान से परचेस करके हम अपने नाम पे रजिस्ट्री कराते हैं और पूरी की पूरी गारंटी हम अपने इन्वेस्टर को देते हैं, इसमें किसी तरह का कोई कब्जा होने का कोई खतरा ही नहीं है। सिक्योरिटी कंपनी देती है जब तक पोजेशन नहीं मिल जाता, रिटर्न में सिक्योरिटी देते हैं और पोजेशन रजिस्ट्री मोटेशन सब कुछ अश्योर करते हैं क्लाइंट को। मतलब कोई किसी किस्म का इसमें लगता नहीं कि अगर कोई चीज जाएगी, क्योंकि एक क्लाइंट एक इंडिविजुअल क्लाइंट जो इन्वेस्ट कर रहा है उससे पहले तो इन्वेस्टर हमारी कंपनी है ना, क्लाइंट तो छोटा सा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, हम तो पहले करोड़ रुपीज लगा करके अपने नाम पे हमने परचेस किया, तो सबसे पहले इंक्वायरी तो कंपनी करेगी अपना पैसा, और जो एग्रीमेंट पे जो लोग प्लॉटिंग करते हैं उनका तो पैसा लगता नहीं है, वो तो एक अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडली हो करके किसानों के साथ वो प्लॉटिंग करते हैं। लैंड जो है फ्री होल्ड होता है? फ्री होल्ड लैंड है, जमीन का देखिए जमीनों में कई सारे वैरायटी होते हैं, वेरिएंट होते हैं, तो टाइटल होती है जमीनों ये वाला फ्री होल्ड है। हाँ हमारा जो जमीन का जो टाइटल है फ्री होल्ड है। अच्छा इसमें लोगों का ये भी सवाल आता है कि जो येडा है वहां से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो तभी ज्यादा और ऑथेंटिक होती है। एक्चुअल रेरा जो लॉ है ये पिछले 5-6 साल पहले आया है और इससे पहले रियल एस्टेट ऐसे ही सेल हो रहा था, जब रियल एस्टेट में करप्शन बढ़ा तो गवर्नमेंट ने बिल लेकर आ गई रेरा, ठीक है। तो रेरा का बहुत सारा कंडीशन आम 90% लोगों को पता ही नहीं कि रेरा कहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। रेरा एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के लिए और जो अथॉरिटी के प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड है, फ्री होल्ड जमीन की प्लॉटिंग के लिए रेरा रिक्वायर नहीं है। अच्छा मतलब ये क्लियर है कि फ्री होल्ड के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो हमारे जो रेट्स हैं वो 7600 से लेकर 8500 तक के रेट हैं और मिनिमम जो बुकिंग अमाउंट है वो 30% है जिसपे हम क्लाइंट को पोजीशन दे रहे हैं। एरिया मिनिमम कितना? मिनिमम 50 गज से स्टार्टिंग है। अच्छा मैंने पिछली बार प्रोग्राम किया था तो 75 हो गया था, तो इतने में बढ़ गया क्या? मिनिमम 50 गज के प्लॉट है, 7500 से शुरुआत। जी 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 हमारे रेट पिछले 3 महीने में कम से कम 3 बार या 4 बार बढ़े हैं। शुरुआत कब से हुई थी? 11 जुलाई को हमारा इनॉग्रेशन हुआ था ड्रीम होम्स का और 6500 रुपये रेट स्टार्ट हुआ था और 76 आ गया। जी जी 1100 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला लगता है कि आप तो खैर आप तो कंपनी के रिप्रेजेंटर ही हैं, तो आने वाले क्योंकि पब्लिक जानना चाहती है समझना चाह रही है कि आने वाले वक्त में क्या एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन कितना किलोमीटर होगा? एयरपोर्ट का जो कैंपस आ रहा है लगभग 7 किलोमीटर और पूरा अगर उसका मेन टर्मिनल देखें जहां से लैंड करेगी एयरपोर्ट वो लगभग 15 किलोमीटर का एरिया है, तो हम कह सकते हैं कि हम एयरपोर्ट के बिल्कुल नियरेस्ट हैं और फ्यूचर में उसी प्रोजेक्ट का उसी प्लॉट के रेट बढ़ेंगे जो एयरपोर्ट के बिल्कुल नियरेस्ट है। हाईवे से दिल्ली आगरा हाईवे चल रहा है उससे यहाँ कितना दूरी है? दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर रहा है, दिल्ली आगरा चल रहा है ना जी, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक्चुअल हमारे प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी वर्ल्ड क्लास है। कनेक्टिविटी की बात करें तो अलीगढ़ पलवल हाईवे
पे हमारा ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट है, यमुना एक्सप्रेस वे 1 किलोमीटर, DMIC से हमारा प्रोजेक्ट कनेक्टेड है जो कि इंडिया का सबसे एम्बिशियस सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो 12 घंटे में आप सफर तय करेंगे बॉम्बे के लिए, तो वो है। प्लस दिल्ली का जो तीसरा रिंग रोड है KMP हाईवे वो भी 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट यहाँ पर और बहुत सारे चल रहे हैं, तो आपका प्रोजेक्ट क्या खास है, कौन सी ऐसी चीज है जो अलग करती है उन सब चीजों से सर, जो आपकी खास है? सर किसी भी प्रोजेक्ट को जो बेस्ट बनाता है उसका अप्रोच बेस्ट बनाता है। अप्रोच का मतलब होता है बेस्ट लोकेशन जो बोलते हैं ना, जिसमें बेस्ट अप्रोच होता है, यानी कि आप हाईवे से गए सीधे अपने घर में घुस गए, तो वही अप्रोच हमारा 6 लेन हाईवे के ऊपर ड्रीम होम्स है। और कनेक्टिविटी के लिहाज से हम सेंट्रल में बैठे हैं, कपल का जो प्रोजेक्ट है ड्रीम होम्स बिल्कुल हम सेंटर पे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा सर कि जो घर है वो हाईवे में हो जाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जितना एक्वायर होना है वो 6 लेन जमीन एक्वायर है, उतना हमने छोड़ करके हमने प्लॉटिंग शुरू किया है। और यहाँ पे डेवलपमेंट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, 35 5-स्टार होटल आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा ये एरो सिटी में कन्वर्ट होने वाला है। तो आने वाले टाइम में ये जमीन के जो रेट्स हैं, एक प्लॉट इतना रिटर्न दे देगा कि जिंदगी भर आप सेविंग नहीं कर सकते। अच्छा, पिछले दिनों आप लोगों ने स्कीम भी चलाई थी, कोई अगर 1 महीने के अंदर पूरा पे करता है या 2 महीने पे करता है तो उसकी रजिस्ट्री फ्री भी है क्या? जी, अगर कोई 1 टाइम पेमेंट करता है 1 महीने के अंदर पूरा फुल पेमेंट, तो उसकी रजिस्ट्री कंपनी फ्री कराती है। 100 गज का अगर प्लॉट 7600 का होता है तो रजिस्ट्री कितनी की होगी? लगभग 42,000 100 गज पे खर्चा आ रहा है, 42,000 रुपए का जो सर्कल रेट है यहाँ का, 6,000 रुपए का सर्कल रेट है। ये पूरा अक्सर जितनी भी छुट्टियां होती हैं, संडे होता है या किसी और दिन छुट्टी का होता है, तो यहाँ पर इसी तरीके से भीड़ लगती है और भरपूर लगती है। ये बताइए साहब कि अब पब्लिक यहाँ पर टूट के पड़ती है, ऐसी कौन सा अट्रैक्शन, कौन सी खास बात होती है कि आती है? देखिए, ये पूरा एरिया आप जो जानते हैं कि पूरा एरिया एयरपोर्ट रेंज भी आ रहा है और पूरा डेवलप होगा, 2031 तक ये पूरा शहर बन जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ बैठे हैं, यहाँ पर टप्पल सिटी सेंटर आ रहा है, इसके आगे आपका राया के पास 3 स्मार्ट सिटीज आ रहे हैं और उसके पहले फिल्म सिटी आ रही है, आपके नाइट सफारी आ रही है, नाइट सफारी थाईलैंड और सिंगापुर के बाद इंडिया में आ रही है। तो ये सारा पूरा एरिया डेवलप होने वाला है और जो इन्वेस्ट करेगा वो बहुत अच्छा रिफंड आने की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जितना प्लान है वो सारा समझाया, नाइट सफारी कैसी है, कितने 5 स्टार्स होटल्स आ रहे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया किस किस तरीके से यहाँ पर सेटअप होंगी, उसके साथ साथ और जो आसपास के जो दाम है वो किस तरीके से बढ़ेंगे और जो कंपनी जो स्टेटस है जमीन का वो भी सारा बताया और क्या क्या रेट है उनके, उन सबके बारे में बताया। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे कहने पर आप चीज लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार यहाँ पर आकर आप देखिए तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी, पूरे स्टेटस के बारे में मालूम हो पाएगा, जमीन के बारे में पता लगेगा, जो फिजिकल विजिट होता है उसका एक अपना अलग इंप्रेशन होता है। तो एक बार समझिए, देखिए, उसके बाद ही फैसला लीजिए और अपना रिसर्च भी कीजिए। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे काउंटर क्वेश्चन भी पूछे उसमें, जिससे कि आप सबको उससे फायदा मिले। आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। आदाब, नमस्कार।